बात सुनो, बात यार बात है, सुनो बात। अगर आपको गलतफहमी आ रहा है तो बात ये नहीं है ना, चलो बात करो, धन्यवाद। सुनो अभी डीसी ऑफिस में बात हुई ना, आपको भी चलो तो मिलते हैं हम डीसी ऑफिस में। नहीं ये काम के साथ धन्यवाद भी बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं क्या बोला, कहाँ से बंदे लाएंगे? बाहर से बंदे लाएंगे हम, अपने साथ से काम। एक तो पड़ी वो निकला, ये क्यों निकला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। आए दिन आप देखते हैं किस तरह से कहा जाता है, जब से यूटी बना है, जम्मू कश्मीर यूटी बना है, तो कहा जाता था कि जो भी युवा हैं यूटी के तो उन्हें रोज़गार मिलेगा, लेकिन हमें हमेशा वो धरना प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं हमेशा। आज उसी तरह मरम्मत के हम एरिया में हम्बल की अगर बात करेंगे, आप जानते हैं यहाँ पर जो सुदमहादेव टनल प्रोजेक्ट का काम लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ वर्कर्स हैं, आप देख रहे होंगे पीछे लेबर्स हैं, इनमें लेबर भी हैं, ड्राइवर भी हैं, सभी हैं। और यहाँ की अगर बात की जाएगी आज के दिन क्यों धरना प्रदर्शन पे ये उतरे हैं और क्यों आज के दिन ये स्ट्राइक कर रहे हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मनमीत सिंह है। तो क्या बात है, क्यों आज आप ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? सर हमें बोला गया कि हम आपको परमिट करेंगे, 14,000 देंगे और 4 छुट्टियाँ देंगे। तो सर हमारी सैलरी आती कल, हमें क्या पता कि छुट्टी नहीं है, हमने छुट्टियां भी मारी, सब कुछ किया और लास्ट में नतीजा यह आया कि हमारे 6 दिन के पैसे कट गए। आप परमानेंट है? मतलब जी परमानेंट हूँ मैं, परमानेंट में कोई फैसिलिटी नहीं है हमें, कुछ फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ एक शूज़ दिया कंपनी ने और कुछ नहीं दिया हमें। बाकी क्या डिमांड रख रहे हैं आप, मतलब क्या चाहते हैं? बाकी यही चाहते हैं सर हमारे साथ न्याय हो। सर हम ये चाहते हैं कि हमें जो सैलरी बोली गई थी वो दी जाए और हमें जो छुट्टियाँ वो मिल जाए, बाकी जो हमारे जो बंदे बचे हैं उनको परमानेंट बोला था फास्ट को करेंगे, कोई परमानेंट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, बाकी हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। बाहर के लोग हैं उन सबको फैसिलिटी दी जा रही है। क्या फैसिलिटीज दी जा रही है सर? बाहर के लोग जैसे उनको खाना दिया जा रहा है, यहाँ पे उनको सैलरी अच्छी दी जा रही है, सब कुछ बढ़िया, छुट्टी भी दे रहे हैं उनको, 4 छुट्टियाँ भी दे रहे हैं, हमें कोई छुट्टी नहीं है। हमें बोला आपको 4 छुट्टियाँ देंगे, पीएम सर थे जो पहले वाले, 4 छुट्टियाँ देंगे और 14,000 भी देंगे। सर वालों को बोला एक टाइम खाना भी देंगे, कुछ नहीं मिल रहा हमें, ना छुट्टियाँ दी ना खाना, तो हम घर से लाते हैं अपना, बट छुट्टियों के लिए बोला था वो भी नहीं मिला हमें, बाकी नहीं मिली सैलरी हमें 14,000, वो भी 14,000 के हिसाब से नहीं आई, 13,500 के हिसाब से डाली, उसमें से भी हमारे पैसे कट गए। यहाँ पे वो लोगों से बात करेंगे, जिस तरह इन्होंने बताया कि जो इनके मुद्दे हैं वो है इनको छुट्टियाँ नहीं दी जाती, लेकिन अगर मैं बात करूँ कंपनीज में जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनसे अगर हम उनकी अगर बात करेंगे तो उनको जो मंथली है वो 4 छुट्टियाँ उनके लिए होती हैं अगर मैं बता दूँ। और इनका ये भी कहना है कि जो इनकी पे है वो कम है और जो इनका खाना है वो भी ये खुद से करते हैं। हम यहाँ पे और भी बात करेंगे, लोकल हैं यहाँ से, क्या नाम है सर आपका? मैं सरपंच सुरेश मनास। तो सुबह ही मुझे इन लोगों ने कॉल की कि हमारे ऊपर बड़ा इनजस्टिस हुआ है हमारे साथ, और हमने ये सुनकर हम आए और इनसे दरख्वास्त किया कि कंपनी के जो रूल होते हैं लेबर लॉ के मुताबिक जो भी टाइम होता है उस पर भी कंपनी खरी नहीं उतर रही है और इनको भेदभाव वाली नीति अपना रही है। हमारे लोकल लोग हैं, इनको टॉर्चर किया जा रहा, तंग किया जा रहा, क्योंकि ये कंपनी छोड़ के चला जाएँ और बाहर से ये लेबर आ रही है और आने ला रहे हैं ये लोग, बाहर से लेबर आ रही है। नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान है क्योंकि यहाँ की ज़मीनें गई हैं, काफ़ी चीज़ें गई, फिर यहाँ के लोगों को छोड़ के बाहर के लोग क्यों? पहले तो हम बड़े भाग्यशाली थे कि हमें इतना अरबों का प्रोजेक्ट मिला सेंट्रल गवर्नमेंट के, हम धन्यवाद करते हैं, और साथ में मोदी जी के मार्गदर्शन में ये देश चल रहा है और इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, और मोदी जी ने जो प्रयास है कि लोकल लोगों को रोज़गार भी मिले और डेवलपमेंट भी मिले। रोज़गार तो खैर ना के बराबरी मिल रहा है लेकिन डेवलपमेंट मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो, ये अंग्रेज़ों के कानून, ये
महाराजा राजा महाराजा के टाइम में जो तानाशाही होती थी वो हमारे लेबर के साथ हो रही है, लिहाजा हम इसलिए खड़े हैं कि हमारे लेबर को इंसाफ मिले और जो भी लेबर लॉ बोलता है उसके मुताबिक इनको फैसिलिटी मिले, इनका जो उजरत जो दिहाड़ी बनती है वो मिले और कंपनी की तरफ से जो भी फैसिलिटी है मिले। पिछले दिनों ड्राइवर हमारा एक ड्राइवर बेचारे एक्सीडेंट हो गया और घोड़ा मर गया और घोड़ा मारा ड्राइवर से मरना था नेचुरली, और कंपनी को अगर ड्राइवर प्रॉफिट करके दे रहा है इतना काम कर रहा है, बदले में कंपनी जब उसकी सैलरी आती तो उसकी सैलरी नहीं आई, उसके सैलरी से वो पैसा कट रहा है। इसलिए हम ये वो आवाज़ उठा रहे हैं मजदूर और किसान यूनियन के बैनर तले, हम अपने अधिकारों के लिए इन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जब तक कंपनी हमारी शर्तें नहीं मानती तब तक ये लोग काम पे नहीं जाएंगे। तो आपने सुना किस तरह से इन्होंने बताया, हम और भी जनों से यहाँ पे बात करेंगे। ड्राइवर यहाँ पे कौन है, मैं ड्राइवर से बात करना चाहूँगा। ड्राइवर है आप? यही ड्राइवर। हाँ, तो क्या क्या इनजस्टिस आपके साथ हो रहा है, क्या आपको लग रहा है जो आपको चीज़ें मिलनी चाहिए थी नहीं मिल रही है? सर जो यही बोल रही है कंपनी, यही बोल रही है कि आपके पैसे कट जाएंगे भाई, जो भी नुकसान होगा किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट जो भी होगा कोई कुछ भी होगा तो आपसे कटेंगे भाई पैसे। तो सर पैसे कटेंगे, इसके इसके अलावा कुछ क्या इनकम आपकी देंगे? एक तो सर दूसरा सर टाइम की बात है, टाइम की सर 14 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं हम, अभी नाइट करके आए हैं, शाम को 7 बजे गए थे, अभी 9 बजे वापस आए हैं। अपने वापस आए हैं? हाँ जी। तो ये मैंने ये भी सुना कि बाहर से ड्राइवर लाए जा रहे हैं, बाहर से लेबर लाई जा रही है, यहाँ के जो लोकल हैं उनको नहीं लगाया जा रहा है इसमें? जी सर, कितनी सच्चाई है इसमें? वो तो है सर, बाहर से ही है। लगभग कितने बाहर से, ऐसा कितने ड्राइवर जो होंगे वो बाहर से? बाहर से बहुत 80% बाहर के हैं सर। 80% है। आपका नाम क्या है? पश्चिम दास सर। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। आप भी ड्राइवरी करते हैं? आप बताएं मतलब क्या लगता है आपको, क्या फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं? फैसिलिटी सर जो कंपनी का रूल होता है तो उसी हिसाब से हम तो चल रहे हैं सर, काम तो कर रहे हैं हम जी। काम के लिए मना नहीं करते, अगर ये हमें बुलाते हैं कि आप आ जाओ जी दूसरी गाड़ी वहाँ छोड़ के आ जाओ दूसरी ले जाओ तो हम ले जाते हैं सर, मना नहीं हमने किया। जहाँ पे काम होता है तो हम करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि काम नहीं कर रहे, सारे करते हैं। जो जो रूल है कंपनी का उसी हिसाब से चले। अब 14 घंटे के लिए ड्यूटी सर, 14 घंटे आप खुद मान लो, अगर मेरा घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, अगर मैंने घर जाना 14 घंटे जो लगा रहे हैं तो फिर उसमें वही उसी हिसाब से इनकम मिल रही है आपको? नहीं सर, जो बताइए उन्होंने वही मिल रही है जी, 20,000 12 के हिसाब से वो मिल जी। तो इसमें क्या आप चाहते हैं आप कंपनी से, क्या सर जो रूल कंपनी का है वही हमें फैसिलिटी दे दे, जो टाइम है टाइम टू टाइम चलेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं कि इनका कोई मतलब कि कहना भी नहीं मोड़ रहे हैं हम, काम तो कर रहे हैं सर, सारे कर रहे हैं, जितने भी ड्राइवर मेरे साथ हैं सारे कर रहे हैं। आज जो स्ट्राइक आपकी तरफ से इसी चीज़ को लेके है? स्ट्राइक तो सर इसी वजह से स्ट्राइक है, बाकी टाइम है, बाकी इसके लिए हमने ये इसने अगर ये गाड़ी के नीचे इससे पहले बात करने की कोशिश की आपने कंपनी से? नहीं सर, पहले तो की होगी थोड़ी, की थी बात, लेकिन उस टाइम एक महीना पहले की थी बात, तो इसलिए हमने रुका कि हमें तो ड्राइवर हैं, हमें तो ये मुद्दा कि अगर रोड पे हम चल रहे हैं सर, अगर कल अगर रात को हम आते हैं धूड़ मिट्टी कचरा, अगर कल किसी से अगर भगवान ना करे किसी से गाड़ी नीचे ऊपर हो जाए तो फिर सर वो गाड़ी घर से देंगे हम, अगर इस बेचारे के पैसे कट गए तो हम तो इसलिए इसके लिए हम लड़ रहे हैं। ठीक है। तो इनका भी कहना कहीं ना कहीं सही है, अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे और भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर पिंकू कुमार मेरा। क्या करते हैं आप? मैं सर्वे हेल्पर मैं सर। तो अब क्या यहाँ पे आपको लग रहा है, जितनी भी आप जो आज की स्ट्राइक आप लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं तो क्या कहना है इसके बारे में? सर हम लगे हुए हैं 1 साल से। ठीक है, 1 साल से लगे हुए हैं, ना तो हमें कोई फैसिलिटी मिल रही है, ना कोई लेबर लॉ के मुताबिक पैसे मिल रहे हैं, तो 14 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं, ना कोई हमारा PF कट रहा है, ना कोई हमें फैसिलिटी मिल रही है और कुछ नहीं मिल रहा है हमें। सभी बंदे 1 साल हो गया कोई भी परमानेंट नहीं है। कल जब हमारी सैलरी आती है हमें ये बोला गया था कि आप परमानेंट हो, जब कल सैलरी आती है हमने मैंने दो ली थी उसके भी पैसे काट लिए इन्होंने, तो कोई परमानेंट नहीं है सर। कल कहीं हम मर ही जाएंगे तो ये तो यही बोलेंगे ये बंदे कंपनी के साथ नहीं थे, इसका मतलब हम ठेकेदार के साथ हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया, इस प्रोजेक्ट का हमें क्या मिल रहा है? ठीक है, ये तो ब्रिटिश का राज चल रहा है इधर, अंग्रेज़ों का राज चल रहा है ये, इससे अच्छा ये प्रोजेक्ट आया नहीं होता तो ठीक था, हम कहीं दिहाड़ी लगाते। ठीक है, अगर यूटी बनी है उसके हिसाब से लेबर लॉ वेजेज मिलना चाहिए, ये तो एकदम हमें यहाँ टॉर्चर किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है परमानेंट है तो फिर आपका पीडीए वगैरह क्यों नहीं कट रहा है? वही तो सर सोचने वाली बात तो यही है ना कि अगर ठीक है हम परमानेंट है, ना कोई ज्वाइनिंग लेटर है, ना कोई हमारा PF कट रहा है। ठीक है, हमें फायदा क्या है इस कंपनी में? ज्वाइनिंग लेटर भी आपका नहीं? कोई कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी। हम तो ऐसे रखे हैं जैसे घास कटाई वाले हैं। अब देख ही सकते हैं, और यहाँ पे हमारे साथ मजदूर संघ से भी कुछ जुड़े हैं शख्स, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा,
जिस तरह से यहाँ पे आज जितने भी लेबर हैं यहाँ पे वो धरना पे लगे हुए, काफ़ी देर से अगर देखी जाए बात तो पूरी यूटी की अगर बात करेंगे, कहा जाता था कि जो बेरोज़गारी है बेरोज़गारी ख़त्म की जाएगी, बेरोज़गारी और साथ में अगर बात की जाएगी सुदमा देव जो ये मरम्मत जो टनल है यहाँ की, अगर प्रोजेक्ट की बात की जाएगी, ये भी कहा जाता था कि यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, जो यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो कितना आपको लगता है ये सच है, जब प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि जो स्ट्राइक डेली के यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? पारुल जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए, इन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। मैं विनोद जनरल सेक्रेटरी हूँ किसान मजदूर यूनियन का, मैं चारों प्रोजेक्ट देखता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों है कि हर एक किसी भी प्रोजेक्ट में जाओ आप, जो उनकी मिनिमम वेज होती है वो सेम नहीं है। आप अगर एप्को कंपनी में जाओगे उनकी अलग है, आप ईफाई में जाओगे उनकी बिल्कुल कम है, आप यहाँ पे आओगे बिल्कुल कम है। और यहाँ पे लोकल जो एम्प्लॉयमेंट जो वादा किया था हमारे साथ, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जब ये प्रोजेक्ट आए थे हमारे साथ ये वादे हुए थे कि हाँ ये लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि उतनी सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं यहाँ पर या उतने पढ़े लिखे नौजवान नहीं हैं। लेकिन जब हमारे पास ये प्रोजेक्ट आए, एक हमारे पास एक सुनहरा मौका था कि हम अपने लोगों के जो हैं एम्प्लॉयमेंट दे सकें। लेकिन आज देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या हमारी डी सी डी में आए हैं ड्राइवर साहब बाहर के लाए हुए हैं, यहाँ पे लोकल ड्राइवर 3-4 ही होंगे लोकल ड्राइवर। हालाँकि हमारे पास ड्राइवर हैं, ऐसी बात नहीं कि ड्राइवर नहीं, हमारे पास ड्राइवर हैं इस एरिया में, शुद्ध महादेव से लेके हमारे ठाठरी तक बहुत सारे ड्राइवर हैं, लेकिन वो लग नहीं पा रहे हैं। हमारे जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने काम किया है, जो एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल रही है। उनको ये बहाना दे के उनको बाहर रखा जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, क्योंकि वो उनको एक्सपीरियंस नहीं है। मैं उन कंपनियों से कहना चाहता हूँ कि अगर जब लोकल यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आया है तो उनको एक्सपीरियंस भी यहाँ से मिलना चाहिए, उनको इतना तो बेनिफिट होना चाहिए। इस रिद्धि सिद्धि की बात अगर मैं करूँ तो रिद्धि सिद्धि से हमारी 2-3 मीटिंग हो चुकी है। ये एक डिफेंस रोड है, यहाँ पर हड़तालें वगैरह हम नहीं करना चाहते थे, हम चाहते हैं हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर। ये पहले भी देखा था, जब पहले भी स्ट्राइक हुई थी पहले भी यही बातें कही थी कि हम यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करना चाहते, हम सिंपली तरीके से अमन से यहाँ पे काम करना चाहते हैं, जो हम यहाँ पे करने आए हैं, जो हम अपना रोजगार कमाने आए हैं। लेकिन फिर हमें वही चीज़ें दोहराती हुई दिखती है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये एक डिफेंस रोड है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब बात हुई थी तो हमने क्लियर कहा था कि मिनिमम वेज दिए जाएँ, जितने आवर ड्यूटी होती है उतने आवर इनसे कराए जाए, काम लिया जाए। काम में कोई हमारा कोई ऐसा मजदूर नहीं है जो काम में कोई कोताही करता है, काम इनका पूरा है। 14 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं ये जी, ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे। आपने कहा 14 घंटे ड्यूटी है, पहले भी बात उठी थी कि 14 घंटे ड्यूटी है पहले भी कर रहे थे, साथ में इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा था, परमानेंट की भी बात की जा रही थी, लेकिन ये बोल रहे हैं ना हमारा ज्वाइनिंग लेटर है ना कुछ। मगर मैं आपको बता दूं, अगर किसी कंपनी की तरफ से अगर परमिट किया जाता है इन्हें, तो उनके लिए एक अलग से ज्वाइनिंग लेटर निकाला जाता है, उनके लिए एक अलग से पूरा एक उनकी फाइल कंप्लीट की जाती है, जिसमें उनका मेडिकल एक फैमिली पूरा उसमें सब होता है, और साथ में उसमें एक इंश्योरेंस भी किया जाता है, वो कंपनी की तरफ से होता है। तो आखिरकार फिर वो इन चीज़ें इनके साथ क्यों नहीं दोहराई जा रही? सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये कोई कानून ही नहीं है, कोई ला ही नहीं है कि 14 घंटे आप ड्यूटी ले रहे हो। अगर आप ले आप ओवर टाइम कर रहे हो तो ओटी दे दो आप इनको, ओटी दे दो। तो मैं तो डोडा के जो लेबर कमिश्नर हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं इनका ध्यान ले रहे हो, कितना पैसे मिल रहे हैं, कितनी सैलरी मिल रही है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट इस काम के लिए हैं तो वो तो आगे आए, एक बार चेक तो करेंगे किसको कितना पैसा मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, और ये गुहार लगाएं भी तो किससे लगाएं? नहीं, मैं विनोद जी ये भी जानना चाहूँगा, ये लिखा रहे थे आपको कि आखिर हमारी प्रॉब्लम में, वो जानना चाहूँगा, काफ़ी वो लंबी चौड़ी एक लिस्ट बना रहे थे आप, हाँ उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा क्या क्या है ये। इनका जो कहना है कि 14 घंटे हमसे ड्यूटी ली जा रही है और एक लेबर की जो दिहाड़ी वो 450 रुपये टोटल दी जा रही है, कोई इनको छुट्टी नहीं मिलती है, पूरे 30 दिन महीने में पूरे 30 दिन ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनको उस तरह से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, वेजेस नहीं दी जा रही हैं। उसके बाद जो है ये परमानेंट, इनको हमारे सामने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बात हुई थी कि हम इनको परमानेंट करेंगे, लेकिन आज तक 2 महीने हो गए ये एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बात हुई, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे थे, कंपनी के भी थे, हम यूनियन वाले भी थे वहाँ पे, और ये बात हुई थी, लेकिन आज तक ही वो इम्प्लीमेंट नहीं है, ग्राउंड में कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम मजबूर हैं अभी सड़क पे आने में, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मीटिंग हुई है, कंपनी वालों से मीटिंग हुई है, कोई मान नहीं रहा है, इसलिए ये हमारा फाइनल है। अब मैं सीधा कहना चाहता हूँ, अब मेरी सीधी ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये इम्प्लीमेंट करनी ही होगी, अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होती तो हम काम करने नहीं देंगे, ये मेरी तरफ से सीधा स्पष्ट है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे और भी शख्स हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। क्या करते हैं सर आप? मैं
यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी मिसेज सरपंच है। तो जो यहाँ पे जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह की वारदातें हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? सर, हमने पहले भी इनको, पिछले महीने में भी हमने एक लिस्ट इनको बनाकर दी थी। उस टाइम मिश्रा साहब यहाँ के पीएम हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि बारी बारी से हम इन सबको परमानेंट कर देंगे। नौ लड़के सबसे पहले इन्होंने परमानेंट किए थे, लेकिन परमानेंट नाम के ही किए थे, उनको उस हिसाब से ना पे मिल रही है ना कोई फैसिलिटी मिल रही है, और इन्होंने बोला कि चार छुट्टियाँ उनको दी जाएंगी। अगर पेपर वर्क की बात की जाएगी, पेपर वर्क हुआ है परमानेंट के लिए? नहीं, लिस्ट ही मांगी थी हमसे, लिस्ट यहाँ और डोडा में इन्होंने माना था। तहसीलदार साहब थे, डीएसपी साहब थे, और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े आदमी थे, इन्होंने माना था कि हम सबको परमानेंट कर देंगे, लेकिन अभी तक 2-3 महीने हो गए इन्होंने इनको परमानेंट नहीं किया। और बाकी 14 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं, और जो पे है इन्होंने 450 रुपये 8 घंटे का माना था, और ये 12 घंटे का भी वही दे रहे हैं और 14 घंटे का भी वही दे रहे हैं। मतलब ये हमारे लोगों से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो मतलब अब क्या चाहते हैं, आपकी कंपनी क्या सुने और किस तरह से किन आपकी मांगों पे? हम चाहते हैं सर, जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हो जाएं, जो इनकी शर्तें हैं, जो कंपनी के रूल्स हैं, जो लेबर लॉज हैं, उसके मुताबिक इनको पैसा मिले। इस चीज़ पे जानना चाहूँगा, जो ये लेबर बाहर से लेके आ रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट ये यहाँ का है और लोकेलिटी के यहाँ से जितने भी युवा हैं वो उठने चाहिए थे, और उनकी रोजगारी कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलना चाहिए था। सर, ये अपनी मनमानी करते हैं, कभी हमने इनको बोला कि जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं उनको लगाओ। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, कंपनी तो बाहर से आती है, कंपनी को इतना पता नहीं होता, कहीं ना कहीं मगरमच्छ जो होता है वो घर का ही होता है, तो इसमें क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, ये मानते नहीं किसी की भी नहीं मानते। इन्होंने कुछ लड़के लगाए हमारे, लेकिन वो भी देख रहे हैं इनकी क्या हालत है, किस हिसाब से लगाए हैं। इनके बंदे को सारी फैसिलिटी मिल रही है, हमारे बंदे को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे लेबर है, यहाँ पे काम करते हैं, सीमेंट का काम करते हैं। क्या क्या नाम है आपका? सुदेश कुमार से। कहाँ से आप? हम इधरी से, सरवा से। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह सर कहेंगे, देखो समझो साल हो गया हमें यहाँ काम करते हुए, ठीक है सर, काम हो गया साल करते हुए, हमें कोई परमानेंट के कोई सेफ्टी कोई कुछ नहीं दिया। मतलब किस तरह आप मतलब गुजारा कर रहे हैं घर पे, कितने फैमिली मेंबर्स वगैरह के हैं? 7-8 हैं सर। 7-8 हैं। तो कमाई का सोर्स? सर यही डैडी लगा, बस एक आप ही हो। तो फिर किस तरह से आप अपने घर पे ये मैनेज कर रहे हैं? क्या करना है सर, कर रहे हैं, इसी से गुजारा कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो आपने पहले भी मांग की कंपनी से कि आखिर की थी सर? क्या क्या कहा इन्होंने? दे रहे नहीं सर, कोई परमानेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं, कोई परमानेंट नहीं कर रहे जी। तो मतलब पे तो देनी चाहिए, जो जिस तरह बता रहे हैं कि 14 घंटे अगर मिलते हैं। जी जी, 450 ही दिया जा रहा है, तो जो 14 घंटे आप लगा रहे हो, जो आप घंटे एक्स्ट्रा लगाए, कोई कुछ नहीं दे रहे हैं सर, उसका कुछ कुछ नहीं मिल रहा है सर। तो आप क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप? परमानेंट किया जाए सर हमको, और सैलरी पूरी जाए, 4 छुट्टियाँ महीने की होनी चाहिए हमें सर। सैलरी भी टाइम पे, सभी की यही है मांग, सभी की यही, टाइम टेबल की भी ठीक ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जितने भी यहाँ पे, अगर हम्बल की हम बात करेंगे, मरम्मत हम्बल के इस समय हम आए हुए थे, और डेली की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जिस तरह पे यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो लगा हुआ है, सुदमहा देव जो टनल प्रोजेक्ट है वो लगा हुआ है। और मोदी जी की अगर मैं बात करूँगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब सुदमहा मरम्मत टनल जो प्रोजेक्ट है जब वो शुरू होगा, यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको एक रोज़गार मिलेगा और डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। अच्छी बात है, एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, एक जो टनल है उसका काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर 4 कंपनियाँ काम कर रही हैं, अगर इसकी मैं बात करूँगा, यहाँ पे रिद्धि सिद्धि का जो ये काम लगा हुआ है, जो इसके वर्कर्स हैं, तो आखिरकार इनको हर बार यही लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन परमानेंट नहीं किया जाता। और 14 घंटे काम करने के बावजूद, जो इनका कहना है कि 14 घंटे हमसे काम करवाने के बावजूद भी हमें कोई छुट्टी नहीं दी जाती, हमें 30 दिन जो बराबर हैं वो 30 दिन हमें यहाँ पे हम काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई छुट्टी नहीं दी जाती, और उसके बाद जो पेमेंट है वो भी जो नहीं दी जाती सही तरीके से। वही इनको जो दिहाड़ी दिन का अगर मैं बात करूँगा, तो जो डे की इनकम है वो इनको 450 रुपया दी जाती है। लेकिन अगर बात की जाएगी तो हम कंपनी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार क्यों इनकी सुनी नहीं जा रही। और पहले भी कंपनी के द्वारा ये बताया गया था कि इनको परमानेंट किया जाएगा और इनकी जो पे है वो बढ़ाई जाएगी, तो आखिरकार क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? तो हम कंपनी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, तब तक आप जुड़े रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। तो आपने भी देखा जिस तरह से यहाँ पे अगर बात की जाएगी लेबर और ड्राइवर्स के, जो यहाँ पे मसले चल रहे थे, जो इनकी स्ट्राइक यहाँ पे चल रही थी, तो उसको लेके यहाँ पे ये जो पीसी था उनके पास गए, और क्या बातचीत हुई? अगर पहले की अगर मैं बात करूँगा, पहले भी ये अंदर गए, लेकिन
जो पीसी था उसने एक भी नहीं सुनी और यहाँ से इनको बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन आप वो भी आपको हम विजुअल्स में दिखाएंगे कि किस तरह से जो एक माहौल वो खराबी में भी गया, और लेकिन अब दोबारा इनको जब बुलाया गया था तो क्या बात अंदर हुई, क्या इनकी जो मांगे थी उनको पूरी तरह सुना गया कि नहीं सुना गया, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अंदर कौन कौन था? जी सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम पिंकू। आप लेबर में से थे? जी सर। तो क्या कहा गया? सर हमें कहा गया कि दो दिन का टाइम दिया। जोर से थोड़ा आप बताएं। दो दिन का टाइम दिया है, दो दिन हम वेट करेंगे, दो दिन के बाद हमारा मसला नया होगा तो फिर हम सीधा लेबर कोर्ट जाएंगे। हर एक बात सुनने के लिए राजी हो चुके हैं? ये बोल रहे हैं हम दो दिन में करेंगे। करेंगे जी। तो यहाँ पे ड्राइवर की तरफ से भी हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जाहिद हुसैन। हाँ, तो सर क्या कहा इन्होंने? इन्होंने सर दो दिन के लिए, हम दो दिन की मोहलत दे दो, हम दो दिन में ये मसला सब हल कर देंगे, जो भी आपके मुद्दे हैं क्लियर कर देंगे। क्लियर होगा? तो यहाँ पे बाकी भी जो यूनियन की तरफ से थे हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विनोद भाई आप आगे आए और बताएं कि आखिरकार क्या अंदर बात हुई और कितना इन्होंने कहा कि सुना जाएगा। सिर्फ सुना ही नहीं जाएगा, पहले भी काफी बार जो है कार्रवाई हो चुकी है इस पर, लेकिन ग्राउंड पे हमें देखने को कुछ नहीं मिलता। देखिए पारुल जी, अभी हमारी बात हुई है, ये लेबर रिप्रेजेंटेटिव भी थे हमारे साथ, ड्राइवर भी जो लोग थे और कुछ यूनियन के बंदे थे, अंदर मैनेजमेंट से बात हुई है, उन्होंने हमें अश्योर किया कि दो दिन में जो आपके पॉइंट से हमने पॉइंट टू पॉइंट बात की अंदर, उन पॉइंट्स पे काम होगा, इम्प्लीमेंट वो चीज़ें ग्राउंड पे लाई जाएंगी। अगर ये दो दिन में नहीं होता है तो उसके बाद फिर हम फादर अपना जो एक्शन है वो डिसाइड करेंगे। थैंक यू। और भी हमारे साथ यहाँ पे शख्स हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर मैं जानना चाहूँगा, जिस समय आप पहले गए, पहले के वारदात में उसमें इन्होंने सीधा ही धमकी देने लगे, हमने ये खुद रूप अपने आंखों से देखा है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए पहले आप? देखो मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं इस यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। तो आज ये जो सुबह ये लेबर का जो मुद्दा था, ये हमने इन लोगों से भी सुना और यहाँ पे आके डिस्कस भी किया, उसके बाद हम अंदर इनके पास कंपनी वालों के पास गए, लेकिन इनने फर्स्ट टाइम जो है हमारे साथ अच्छे से बात नहीं की, हमारे साथ बदतमीजी की, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा से रिक्वेस्ट की आप आओ आप हमारे साथ बात करो। तो उनके साथ हमारे जो मुद्दे हैं वो सारे पॉइंट टू पॉइंट जो थे वो सारे डिस्कस हुए, उनको हमने अपने सारे मुद्दे जो बता दिए, जैसे पीएफ के रिलेटेड है, ओटी के रिलेटेड है, जो भी हमारे मसले थे वो हमने सारे उनको बताए हैं और उनको दो दिन का टाइम दिया हुआ है। अगर वो दो दिन में क्लियर करते नहीं, अगर करते तो उसके बाद ये काम बंद होगा। दो दिन का टाइम दिया गया है। थैंक यू। तो आपने सुना, क्लियरली आपने सुना कि इन्होंने कहा कि दो दिन का जो है वो टाइम दिया गया है। अगर बात की जाएगी तो दो दिन की इनकी जो टाइमिंग है वो इन्होंने बता दिया गया है कि अगर दो दिन में इनका नहीं सुना जाएगा तो शायद फिर से शायद धरना प्रदर्शन या जो भी है वो इनकी तरफ से देखने को मिलेगा या स्ट्राइक जो है वो इनकी तरफ से होगी। लेकिन बात कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर लोकेलिटी में काम हो रहा है, जिस समय पीएम मोदी जी ने कहा था कि सुदमहादेव जो टनल प्रोजेक्ट है वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट के साथ एक काफी उनके लिए जो जॉब्स हैं वो प्रोवाइड होंगी, उनको एक बेरोजगारी जो है वो खत्म होगी, लेकिन अगर बात की जाएगी तो आखिरकार क्यों इन लोगों की, अगर मजदूर तबके की बात की जाएगी या ड्राइवर की बात की जाएगी तो क्यों इनकी सुनी नहीं जाती, या अगर बात की जाए 14 घंटे काम करने के बावजूद भी इनको ओवर टाइम क्यों नहीं दिया जाता है? तो कहीं ना कहीं इस पे भी काम करने की जरूरत है। और मैं कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा मनोज सिन्हा जी से, मैं अपील करना चाहूंगा कि सख्ती से इस पे नजरें गड़ा के रखें और जितने भी यहाँ पे लेबर हैं इन पे गुंडागर्दी जितना भी ये करने की कोशिश करते हैं तो ना कर पाए, और साथ में इनका जितनी भी मेहनत है वो इनको मिले। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, फिर मिलूंगा नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।